तो प्रॉफिटेबल आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बनेगा। तो पहले लेवल पर आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का ना सोचें, नहीं तो ये सीज़न निकल जाएगा। बाकी बहुत कुछ है इस बिज़नेस में, अभी चलते हैं नेक्स्ट बिज़नेस के बारे में कि आखिर कौन सा ऐसा और प्रोडक्ट है जो कि आपको गर्मियों में स्टार्ट करना चाहिए। देखो, आने वाले समय में बस आपके लिए एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिस बिजनेस को आप सीजन वाइज स्टार्ट कर सकते हैं। स्टूडियो में बने रहिएगा क्योंकि गर्मियां आने वाली हैं और गर्मियों में आप कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें लॉन्च करके आप अपने मार्केट में अपना बिजनेस बना सकते हैं, मैं पूरा स्ट्रेटेजी बताऊंगा समर में आपको कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है। देखो, सबसे पहले ये समझो कि जो भी प्रोडक्ट आपके सामने आते हैं वो मार्केट में किस समय से किस समय तक टिकेंगे, किस तरह से आप मार्केट में प्रॉफिटेबल बनेंगे, ये बहुत जरूरी है समझना। कोई मशीन प्लांट देखकर, कोई वीडियो देखकर आप बिजनेस नहीं बना सकते हैं। इसके लिए आपको सीखना होता है और स्ट्रेटेजीज बनानी होती है, बिजनेस प्लान को बनाना होता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि गर्मियों में ऐसे कौन से बिजनेस हैं जिनसे हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, और अगर हम आज के समय ये बिजनेस शुरू कर दें तो हमारे लिए कितना समय तक वो ग्रोथ मिलेगा। तो मेरा नाम है यदु चतुर्वेदी, मैं फाउंडर हूँ कामकाज.com का। पिछले 6 सालों में हमने एक ऐसी एकेडमी बिल्ड करी है जहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर आज फूड इंडस्ट्री, लोकल प्रोडक्ट इंडस्ट्री में बिजनेस करना सिखा रहे हैं। लगभग 500 से ज़्यादा ब्रांड्स लॉन्च करे हैं कामकाजी एकेडमी स्टूडेंट्स ने। तो अगर आप भी अपने बिजनेस में ब्रांड लॉन्च करके पैसा बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में बने रहिए। देखिए, आज सबसे पहले आपको एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी सबको दिखता है कि वाटर बॉटल्स, जैसे ही गर्मियां आएंगी ये बिजनेस सबसे ज्यादा आगे बढ़ने लग जाएगा। अब इस बिजनेस की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, इस प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च करना चाहिए, कितना ये मार्केट में टिकेगा, कब डिक्लाइन होगा, वो समझते हैं। देखिए, वाटर बॉटल्स एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इस बिजनेस की स्टार्टिंग होती है। कई लोग अपना पूरा प्लांट सेटअप अपना करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये होता है लार्ज स्केल वाला बिजनेस मॉडल। लार्ज स्केल कहाँ पर होती है, हमारे पास में आरओ फिल्टर लगता है, स्टोरेज टैंक बनते हैं, इसके अलावा गाड़ी आती है जो कि सप्लाई पे जाएगी, वाटर बॉटल्स की पैकेजिंग होगी, वाटर बॉटल्स मेकिंग मशीन होगी, इसके साथ साथ शिपिंग एरिया होगा, हमारे पास में क्रेडिट्स होगी, एक पूरा तरह से एक प्लांट सेटअप होता है जिसमें 15 से 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। इसको अगर आप देखें कि कैसे ये बिजनेस बनेगा, इसके लिए मैं आपको मशीन का एक प्रोसेस बता देता हूँ कि मशीन कैसे चलती है, किस तरह से यहाँ से पहले स्टेज से लेके फाइनल प्रोडक्ट बनता है। सबसे पहले आपको एक लोकेशन बिल्ड करना होता है, 1000 स्क्वायर फीट आपके लिए स्टार्टिंग में आप इस तरह का लोकेशन बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चाहिए होते हैं आरओ प्योरीफायर, साथ ही वाटर टैंक्स जहाँ पर आपका पानी रहे। अगर आपके पास में बोरवेल है तो आप वो लगा सकते हैं, नहीं तो आप टैंकर मंगवा सकते हैं बाहर से जो कि 200 से 250 रुपए के आपको मिलते हैं, जो कि आप उस वाटर को फिल्टर करके मार्केट में एक प्योरीफाई करके अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे ही आरओ से प्योरीफाई होगा, यहाँ चिलर नहीं चाहिए होता है क्योंकि ठंडा पानी तो देना नहीं है, एक तो वाटर कैंपर वाला बिजनेस मॉडल होता है, वहाँ चिलर की आवश्यकता होती है। तो जैसा गर्म पानी है वैसा का वैसा अब आपको पैक करना होता है। अब आती है बॉटलिंग की काम कि देखो, बॉटलिंग आपको बनी बनाई भी मिलती है मार्केट में, और बॉटल बनाने के लिए आप ग्रैनुअल्स का एक रॉ प्रोडक्ट आप मंगवा सकते हैं जिसमें हॉट एयर गन से एक मशीन से आपकी वाटर बॉटल में हवा जाती है और फिर वो प्रोडक्ट फाइनली आपके यहाँ पर बन जाता है। इस तरह की मशीन भी आप सेटअप कर सकते हैं। मैं स्टार्टिंग में आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप बनी बनाई बॉटल्स ले लीजिए मार्केट से, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको ये समझना है कि वाटर बॉटल्स में 1 लीटर वाला प्रोडक्ट चलेगा आपके यहाँ, 2 लीटर वाला चलेगा, या 500 ml आप लॉन्च कर सकते हैं। फिर आपको कैपिंग के लिए एक मशीन चाहिए होती है, फिर इसके साथ में थर्ड लेवल पर जो मशीन चाहिए कैपिंग के अलावा वो होती है लेबलिंग के लिए। और आ जाती है बात कि कौन कौन से चाहिए। देखिए, इसमें सबसे पहले जो प्रायोरिटाइज है वो है ISI मार्क, एक लैब होनी चाहिए आपके यहाँ पर, फूड लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए, GST रजिस्ट्रेशन आपके पास में होना चाहिए, फायर ब्रिगेड का NOC आपके पास में होना चाहिए, और आपके पास में उद्यम आधार भी होना चाहिए। आप इस तरह से एक प्लांट सेटअप कर सकते हैं वाटर बॉटल्स का, जहाँ पर आपका जो ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट होगा वो 20-25 लाख रुपए के आसपास का होगा, अगर ये आप सारे तामझाम करते हैं तो। तामझाम का मतलब यही है कि लार्ज लेवल पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। इसके लिए एक आपको गाड़ी भी चाहिए होगी इसी लार्ज लेवल में,
जो कि आप सेकेंड हैंड भी परचेस कर सकते हैं या फिर आप रेंट पर भी ले सकते हैं। अब सेकेंड स्टेज में अगर हम देखें, इस तरह से हमने इन्वेस्टमेंट करा तो ये पहला लेवल है लार्ज लेवल पर, सेकेंड लेवल है मीडियम लेवल। वाटर बॉटल बिजनेस में आप पैकेजिंग टू सेलिंग चल सकते हैं। छोटे से लेवल से आपको एक आर ओ प्योरीफायर लगाना होता है और वहाँ पर बॉटल पैकेजिंग मशीन लगानी होती है। ये 5 से 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। रेंट पर व्हीकल लेकर सप्लाई का काम शुरू करते हैं। थर्ड लेवल होता है जहाँ पर आप किसी भी तरह से अपने प्रोडक्ट को नहीं बनाते हैं और डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर अपने बिजनेस की स्टार्टिंग करते हैं। तो पहला जो बिजनेस मॉडल है वाटर बॉटल का, ये 3 लेवल से स्टार्ट होगा। अब इस बिजनेस मॉडल के मार्केट सिनेरियो को चेक करते हैं, क्योंकि देखिए हम पिछले 6 सालों में कई ब्रांड बना चुके हैं वाटर बॉटल इंडस्ट्री में, कि कैसे आपका वाटर बॉटल बिजनेस बनेगा। तो सबसे पहले मार्केट को ही समझना होगा, क्योंकि एट द एंड आपका प्रोडक्ट बनकर ही मार्केट में जब जाएगा तभी आपको पता लगेगा कि क्या इनसाइट्स हैं। तो पहले वो समझना जरूरी है। देखो इस तरह के जो मार्केट में सबसे पहले जो सीजन होता है नॉर्थ इंडिया में वाटर बॉटल्स का, ये चलता है फरवरी से लेकर आपका अगस्त तक। यस, जो कि एक तरह का सीजनेबल टाइम आ जाता है। मतलब अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो राइट टाइम अभी आपके लिए यह है कि वाटर बॉटल बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। आप लगभग 7-8 महीने बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे। इस बिजनेस मॉडल में आपके लिए जो डिक्लाइन आना शुरू होता है वो सितंबर से होना शुरू होता है। वाटर बॉटल्स का डिमांड तो रेगुलर रहता ही है, बट एक तरह का पीक जो सीजन होता है वो डिक्लाइन पे जाता ही है। अब किसी भी बिजनेस में आप देखेंगे 7 से 8 महीने हमेशा अच्छे रहेंगे, 3 से 4 महीने मंदा रहेगा बिजनेस। टेक्सटाइल में क्या होगा कि भैया आज के समय श्राद्ध आते हैं, वो ऑफ सीजन होता है, और जब कोई भी मार्केट में फेस्टिवल नहीं रहता है वो भी ऑफ सीजन कहलाता है, जब शादियां नहीं है। वैसे ही इसमें भी 4 से 5 महीने का ऑफ सीजन है। तो वाटर बॉटल का आपका डिक्लाइन समय आपको पता लगा। कस्टमर कैसे परचेस करते हैं वो समझते हैं। 75 रुपीज से लेके 80 रुपीज दर्जन आपका 1 लीटर बॉटल मार्केट में जाता है। इसको आप दर्जन वाइज सेल करते हैं। शिपिंग पैकेजिंग आपको चाहिए होती है, जो कि श्रिंक पैकेजिंग बोला जाता है। प्लास्टिक की पैकेजिंग से आपको श्रिंक करना पड़ता है। 12-12 बोतलें आपको मार्केट में लॉन्च करनी है। ये आपका पहला लेवल ऑफ सेल्स है। देखो जो कस्टमर आपसे आज के समय प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक गोल है अल्टीमेट, कि मुझे प्रॉफिट चाहिए। जितना आप मुझे प्रॉफिट देंगे उतना मैं आपका माल रिपीट परचेस करूंगा। तो यहाँ पर आपको वाटर बॉटल्स में पहले ये देखना है कि कस्टमर एंड कंज्यूमर्स आपके किस शहर के हैं। अगर आप छोटे शहर में प्लांट लगा रहे हैं तो वहाँ कॉम्पिटिटर कम होंगे, तो आपको मार्केट को बढ़ाना होगा। प्रॉफिट दीजिए उन्हें और आपका स्ट्रेटजी बनता है डिस्काउंट का, स्कीम्स का, ऑफर का, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, मी टू प्राइसिंग स्ट्रेटजी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजी हैं, जो कि मैं अपने कामकाज एकेडमी में डिकोड करता हूं कि कैसे एग्जैक्टली आपको प्रोडक्ट डेवलप करना चाहिए। कई सारे सक्सेसफुल हमारी एकेडमी से निकल कर आए हैं इस तरह के बिजनेस में। तो आप वो मॉडल सीख सकते हैं जो कि स्मार्ट प्रोडक्ट सिस्टम मॉडल है, कि फूड इंडस्ट्री में आखिर पैसे कैसे बनते हैं। सेकंड तरीका यही है कि मार्केट को समझना होगा, मार्केट को देखना होगा, विजिट करते हुए प्रोडक्ट को डेवलप करना होगा। वो बहुत अच्छा तरीका होगा जो मार्केट के हिसाब से आप प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर आपका कस्टमर प्राइसिंग चाहता है तो मार्केट में आपको नए नए तरह के होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको बनाने होंगे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर लाएं पहले। फिर वो जब कस्टमर आएंगे तो रिपीट परचेज पर आपको ध्यान दिलाना है। जब रिपीट सेल्स होगा तो प्रॉफिटेबल आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बनेगा। तो पहले लेवल पर आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का ना सोचें, नहीं तो ये सीज़न निकल जाएगा। बाकी बहुत कुछ है इस बिज़नेस में। अभी चलते हैं नेक्स्ट बिजनेस के बारे में, कि आखिर कौन सा ऐसा और प्रोडक्ट है जो कि आपको गर्मियों में स्टार्ट करना चाहिए। तो वाटर बॉटल में स्ट्रेटेजी सीख लेते हैं, प्रोडक्ट का स्ट्रेटेजी, कि आखिर कौन कौन से प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी आज के समय चल रहे हैं। मेरे हाथ में है 500 ml का ये बॉटल। इसका जो आज के समय 24 बोतलों का प्राइस है, अगर आप प्लांट से सीधा बाय करते हैं तो वो होगा लगभग 140 रुपये के आसपास। अब आपको ये 2 दर्जन मार्केट में मिल रही हैं 24 बॉटल्स। इसमें होगा क्या कि आपके लिए सेकंड जो प्रोडक्ट आता है वो 75 रुपीज से लेके 80 रुपीज का दर्जन के हिसाब से आपको प्राइसिंग मिल रहा है 1 लीटर का। इसी में दूसरी तरह की वाटर बॉटल्स आती हैं जो कि रेड पैकेजिंग में होती हैं। आजकल शादीज में, पार्टीज में वो आपको दिखाई देती होंगी। वो 400 ml के करीब की बॉटलिंग होती है, वो भी बहुत पॉपुलर है। तो वो तीनों प्रोडक्ट आपको मार्केट में लॉन्च करने ही हैं। पहला तो 1 लीटर, सेकंड 500 ml, थर्ड होगा आपका 400 ml। ये तीनों अगर आपके पास में प्रोडक्ट आ जाते हैं तो आप एक ऐसे वेंडर बनते हैं मार्केट में जो कि सारी डिमांड फुलफिल कर सकते हैं। देखो पानी तो आपके पास में है ही, आपको बॉटलिंग ही तो बनानी है या बनी बनाई बॉटलें खरीदनी है। तो एक बार ये गेम खेलने के बाद में ये देखना है कि मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट तरह की डिमांड्स। अब एक कंज्यूमर है जिसको एक ही बार में पानी चाहिए, तो उसके लिए 10 रुपये का बॉटलिंग का प्राइसिंग जो होता है वो मार्केट फिट प्राइसिंग होती है।
इसीलिए इसका छोटा SKU आपको लॉन्च करना होगा और मार्केट में ये समझना है कि इस बिजनेस को प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है। अभी देखो 7 महीने अगर आपने बिजनेस करा ना तो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। इसके लिए आपको नेक्स्ट लेवल स्ट्रेटजी सीखनी है कि इसके साथ में स्नैक भी पकड़ना पड़ेगा और वो बहुत अच्छा डीपर स्ट्रेटजी में सिखाता हूँ कामकाजी एकेडमी में। आई होप अगर आप सीरियस हैं इस बिजनेस को लेकर, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च करके प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि फूड एंड लोकल प्रोडक्ट इंडस्ट्री में कैसे पैसा बनेगा, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबिनार का लिंक है, कामकाजी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। हर सोमवार और गुरुवार रात 8 बजे लाइव में आपके साथ में आपके बिजनेस को ऑडिट करने बैठता हूँ, कंसल्टिंग करने बैठता हूँ, सिखाता हूँ कि कैसे आपको काम करना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। आई होप आप समझ पाए होंगे कि कैसे ये बिजनेस स्टार्ट करना है। बहुत लंबा वीडियो हो सकता था बट मैंने शॉर्ट समराइज करा क्योंकि बहुत कुछ है इस बिजनेस मॉडल में समझने के लिए, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं जिनके जरिए आप बिजनेस बना सकते हैं मार्केट में, तो वो सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।